वेलकम बैक स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स के आगे के जो टॉपिक्स हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, उससे पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये एक डाउट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भेजा है किसी ने, तो प्रूव करना है कि ये वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन और ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, ये इक्वल टू डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। इस चीज में आपको याद दिला दूं कि ओमेगा क्यूब वन होता है, ठीक, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है उसमें, ठीक। ये दो चीजें आपको याद रखनी चाहिए, हालांकि यूज इसका इसी का पड़ेगा सिर्फ। देख लेते हैं, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे फर्स्ट रो को डिटरमिनेंट की। ओमेगा से मल्टीप्लाई, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, दूसरा साइड तो है नहीं ना। ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये डिवाइड बाहर कर देते हैं और मल्टीप्लाई अंदर, तो ये हो जाएगा ओमेगा, वन में ओमेगा का मल्टीप्लाई, ओमेगा में ओमेगा का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ओमेगा क्यूब को हम लोग वन लिख सकते हैं, ठीक। इधर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, ठीक, ये प्रूव हो गया। डिटरमिनेंट की दो रोज टोटली सेम है, ठीक, हैंसे डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स, जो कि आज का मेन टॉपिक है। तो देखिए ये स्टूडेंट्स, ये दो एप्लीकेशंस लिखी हैं, दोनों लगभग एक ही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस जो है, ठीक, किसी ट्रायंगल की वर्टिसेस अगर दी हुई हो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री, तब उस ट्रायंगल के एरिया के लिए ये फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट फॉर्म में, ठीक। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो जाएगा, ठीक, इसीलिए डेल इक्वल टू जीरो। जब आप कोलिनियर प्रूव कर रहे हैं तो ये हाफ लगाना जरूरी नहीं है, ठीक। तो ये एप्लीकेशन है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। ये इसको देखिए, बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये तीन वर्टिसेस दी है, इन तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल बनेगा, हम जानते हैं, ठीक, हमें उसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला है, हाफ, और फिर ये डिटरमिनेंट 5 4 1 माइनस 2 4 1 और 2 माइनस 6 1, ठीक। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर ले, चाहे तो ऑपरेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑपरेशन लगा दो, r2 tends to r2 minus r1 और r3 tends to r3 minus r1, तो ये दोनों जीरो बन जाएंगे। तो ये देखो टेल आ जाएगा हाफ 5 4 1, क्योंकि फर्स्ट रो को तो चेंज किया नहीं है। सेकेंड रो पे क्या करना है, r2 minus r1, ये माइनस ये, तो ये जाएगा -7, ये हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो, और ये 2 minus 5, ठीक। r3 को भी चेंज करना है, -6 minus 4, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा जीरो। अब चाहे थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड कर लो, चाहे सेकेंड रो के लो, तो थर्ड कॉलम को ले लेते हैं, हाफ, ये वाला हाफ यहाँ वन के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे इसको, तो ये आएगा -7 into -10 और ये वाला वन बाहर रहेगा तो वन मल्टीप्लाई होगा, कोई वैल्यू नहीं उसकी, तो -7 into -10 -3 into 0, ठीक। तो कितना आएगा 70/2 35 square यूनिट्स, ठीक, इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई प्लेनर का आएगा तो आप ये काम करोगे, यहाँ 1 1 1 रखेंगे, और अगर एरिया ये डेल जीरो आ जाता है तो पॉइंट्स को प्लेनर है, ठीक। एक क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइन का देख लेते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 4 एंड ओरिजिन। तो दो पॉइंट्स दिए गए हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, दो ही पॉइंट चाहिए हमें, एक पॉइंट ये दिया है और एक पॉइंट ये ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है 0, 0, ठीक। तो हम डिटरमिनेंट के तरीके से लिखेंगे एक्स वाई 1 -3 4 1, या हम चाहे तो इसको भी पहले लिख सकते हैं 0 0 1, ठीक, इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आ जाएगी इस डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक। एक और तरीका है, यहाँ पे एक शॉर्टकट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई लाइन कभी पर ओरिजिन से पास करती हो, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो, तो उसकी इक्वेशन अगर आपको पता करनी हो तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, देखो -3
मतलब ये एक्स पार्ट है इसका, ये वाई पार्ट है, ठीक, ये एक्स एप्सिसा है ना, माइनस का ये एक्स कंपोनेंट और ये फोर कोऑर्डिनेट है, तो माइनस थ्री पे वाई लगा दो और फोर पे एक्स लगा दो, मतलब जो एक्स वाला है उस पे वाई मल्टीप्लाई कर दो और जो वाई वाला है उसमें एक्स मल्टीप्लाई कर दो, प्लस लिख दो, ठीक, इक्वल टू जीरो, यही इक्वेशन होती। ओ सॉरी, दोनों को इक्वल कर दो, ये उसकी इक्वेशन होती है, ठीक। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी, थ्री वाई को उधर भेज देते हैं, फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, ठीक। इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक। क्या करना है, एक्स जो एक्सिस है इसमें वाई, इसमें एक्स मल्टीप्लाई और इक्वल टू कर दो, ठीक, अगर ओरिजिन से पास कर रही हो तो ही, वरना तो फिर जो मेथड्स हैं जैसे कि ये इसी से निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, फर्स्ट थर्ड रो के अलांग ओपन करते हैं इसको, ठीक, थर्ड रो आसान पड़ेगी क्योंकि ये दोनों जीरो है, तो थर्ड रो में हम इस वन के अलांग जब खोलेंगे तो हमें ये वाला डिटर्मिनेंट लेना है सिर्फ, ठीक, फोर एक्स माइनस माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, हो जाएगा फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू, ठीक, जैसा कि आप ट्रिक से भी पता कर सकते थे इसको। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं डिटरमिनेंट्स की, थ्योरी ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने में, ठीक, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है डिटरमिनेंट्स का यूज करके, ठीक। सबसे पहले ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस देख लेते हैं थोड़ी इसमें डिटेल्स। सबसे पहले बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या है। कंसिस्टेंसी मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, और इनकंसिस्टेंसी मतलब अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होता किसी इक्वेशन का तो उसको कहते हैं वो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन, ठीक। कंसिस्टेंसी में भी दो केस हो सकते हैं, या तो एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे उसके, ठीक। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको कहेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो हम इसको कहेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक। तो ये टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। अगर कंसिस्टेंट है तो दो केस हो सकते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या फिर यूनिक, अगर यूनिक है तो ट्रिवियल, अगर इनफाइनाइट है तो नॉन ट्रिवियल। इनकंसिस्टेंट है तब तो कोई सॉल्यूशन नहीं, तब तो आगे सोचेंगे ही नहीं, ठीक। अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले 2D की बात करते हैं, टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हैं, a1x plus b1y equal to c1 और a2x plus b2y equal to c2, ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक, दो इक्वेशंस हैं, तो ये कंसिस्टेंट होंगी, अगर कंसिस्टेंट मतलब इनका सॉल्यूशन होगा, अगर मैं लिख देता हूं इफ डी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डी इक्वल टू जीरो नहीं है तब तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक, यानी कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है, ठीक, यूनिक सॉल्यूशन होना भी कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, तो फिर वैल्यूज क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, तो इस इक्वेशन में एक्स की एक्स का सॉल्यूशन होता है माइनस डी एक्स अपॉन डी, और वाई का होता है डी वाई अपॉन डी, ठीक। अब ये डी एक्स डी वाई कैसे लेंगे, डी एक्स होता है, डी एक्स मतलब डिटर्मिनेंट एक्स को छोड़कर, ठीक, ऐसे समझ सकते हैं, तो मतलब एक्स के कोफिशियंट्स को छोड़कर, तो एक्स के कोफिशियंट्स को छोड़ोगे तो ये डिटर्मिनेंट बनी है बी वन सी वन बी टू सी टू, ठीक, ये डिटर्मिनेंट डी एक्स है। डी वाई कौन सी डिटर्मिनेंट है, वाई के कंपोनेंट्स छोड़कर, ए वन सी वन ए टू सी टू, ठीक, और डी क्या है, डी है इधर वाले कोफिशियंट्स की डिटर्मिनेंट ए वन बी वन ए टू बी टू, ठीक। तो हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले जैसे ये इक्वेशंस दी हैं, हम सबसे पहले उसका डी निकालेंगे, ये वाला डिटर्मिनेंट ए वन बी वन ए टू बी टू, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये निकालेंगे। अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो नहीं है
तब तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक। अगर ये जीरो नहीं होगा, अगर डी जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन होंगे क्या क्या, एक्स ये होगा और वाई ये होगा, ठीक। तो हमें सॉल्यूशंस मिल जाएंगे अगर डी इक्वल टू जीरो होगा, ठीक, और डी एक्स ये डी वाई की वैल्यूज लिखी हुई है। अगर ये डी जीरो हुआ, ठीक, इफ डी इक्वल टू जीरो, अगर डी इक्वल टू जीरो है तो दो केस हो सकते हैं, या तो कोई सॉल्यूशन नहीं है या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ठीक। ये कैसे पता चलेगा क्या है क्या नहीं है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अगर होंगे तो डी एक्स और डी वाई भी जीरो है दोनों, ठीक। हमने डी निकाला, जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन। हमने डी निकाला और जीरो आ गया, जीरो आ गया तो हम डी एक्स और डी वाई को चेक करेंगे, ठीक। अगर डी इक्वल टू जीरो नहीं आया तब तो कोई बात नहीं, वेरी गुड, हमें सॉल्यूशन मिल गया। अगर डी इक्वल टू जीरो आ गया तो फिर हम चेक करेंगे डी एक्स और डी वाई को। अगर डी एक्स डी वाई दोनों जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर कोई एक जीरो है दूसरा नहीं होना चाहिए। मान लो डी एक्स अगर जीरो है तो डी वाई जीरो नहीं हो, और डी वाई अगर जीरो है तो डी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तब उसका नो सॉल्यूशन होता है, ठीक। ये टू डिग्री की इक्वेशंस की थ्योरी है। एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये इक्वेशन 2D की इक्वेशन है, ठीक, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक, ये कोई प्लान्ड नहीं है। तो बाकी जो भी केसेस हो वो आप देख लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना था, D निकालना है, ठीक। D क्या होगा, इनका कोफिशियंट्स, इधर वालों का 2, 3 और -1, 5, ठीक। इसको कैलकुलेट करो कितना है, 2 × 5 -3 × -1 यानी कितना आया, 10 + 3 = 13, ठीक। डी आ गया 13, यानी जीरो तो नहीं है, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। क्या क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, एक्स होगा -dx / d, तो -dx यानी इसके कोफिशिएंट्स छोड़ दो, तो -1, 5, 17, 6 / ये तो 13 आ गया, ठीक। इसको सॉल्व करो तो ये आएगा माइनस, बाहर लिख देते हैं, -1 × 6 - 5 × 17 / 13, ये कितना आएगा, -6 - 85 / 13 यानी कि 91 / 13, ठीक। x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी तरीके से, बता दे रहा हूं y कितना होगा, dy / d, ठीक। ये रूल है, x के लिए हमने लिया -dx / d, y के लिए हम ले रहे हैं dy / d, ठीक। इसमें पहला माइनस दूसरा पॉजिटिव, अल्टरनेट dy क्या होगा, y के कोफिशिएंट छोड़ के जो बनेगा, तो इसमें दोनों को छोड़ देंगे तो 2, 3, 17 और 6 और d 13 है, तो सॉल्व कर लो 2 × 6 - 3 × 17, 12 - 51 / 13 हो जाएगा -39 / 13 यानी कि -3। एक्स मिला 7, वाई मिला -3, ये इसके सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं यही चीज 3 इक्वेशंस के लिए, ठीक। ट्रिपल इक्वेशन थ्योरम थ्योरी में भी सबसे पहले आपको डी निकालना है। डी फिर से वही यहाँ होगा, इधर के जो कोफिशिएंट्स है उनका डिटरमिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ठीक, ये डिटरमिनेंट निकालना है। इफ अगर डी जीरो नहीं है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक, यानी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, यानी इसको कहेंगे ट्रिवियल है, ठीक। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन ही ट्रिवियल कहा जाता है, बाकी सारे केस नॉन ट्रिवियल।
तो अगर डी इक्वल टू जीरो नहीं है तब एक्स की वैल्यू होगी डी एक्स अपॉन डी, वाई की वैल्यू माइनस डी वाई अपॉन डी, और जेड की वैल्यू डी जेड अपॉन डी। ठीक, 2D में जहां दो इक्वेशन है सिर्फ x और y है वहां पर पहला माइनस दूसरा प्लस इस तरह से, और 3 इक्वेशन में जहां x y z तीनों है वहां पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस। ठीक, तो ये इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। dx निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो डिटरमिनेंट बनेगा d1 c1 d1 d2 c2 d2 d3 c3 d3, उसी तरह dy के लिए इसको ढक लेंगे a1 c1 d1 a2 c2 d2 a3 c3 d3, डी जेड के लिए इसको ढक लेंगे a1 b1 d1 a2 b2 d2। ठीक, इस तरह से एक क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ठीक, तब ये डी नॉट इक्वल टू डी इक्वल टू जीरो का केस उसके बाद डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन 3 इक्वेशन दिए, 3x-4y+5z=0, x+y-2z=0 और 2x+3y+z=0। सबसे पहले d निकालते हैं, d कितना आ जाएगा 3-4, 5, 1, 1-2 और 2, 3, 1। ठीक, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 3 ये लेंगे तो ये 1 × 1 - 3 × -2, इसका साइन चेंज हो जाना चाहिए तो इसीलिए प्लस हो जाएगा, 1 × 1 - 2 × -2 फिर प्लस, डिटरमिनेंट आ जाएगा 1 × 3 - 2 × 1। ठीक, इसको आगे सॉल्व करो तो ये जाएगा 3 1+6+4 1+4+5 3-2। सब ठीक है इसमें, 4 के साथ ठीक ये सही है। तो D कितना आ जाएगा, D मिल जाएगा आपका 7 × 3 = 21 + 5 × 4 = 20 + 5 × 5 = 5 D इक्वल टू 46। D आ गया 46, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो यानी यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन हम बहुत आराम से निकाल लेंगे। देखते हैं इसको खूब, ठीक मिटा दे रहा हूँ यहाँ तक, D याद रखना 46 आया था। ठीक, जरूरत पड़ेगी, जैसे x निकालेंगे तो लिखेंगे dx अपॉन d, तो dx के लिए क्या लिखेंगे, dx डिटरमिनेंट, x के कोफिशियंट्स नहीं लेना है तो -4, 5, 0, 1, -2, 0 और 3, 1, 0 अपॉन ये d 46, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, एक पूरी रो 0 है तो ये x की वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट y के लिए y के कोफिशियंट्स नहीं लेंगे -d y / d - डिटरमिनेंट y के कोफिशियंट्स नहीं लेंगे तो आएगा 3 5 0 1 - 2 0 और 2 3 नहीं 2 1 0 अपॉन 46। d 46 आया था, इसमें भी एक पूरी रो 0 है, ये भी 0। ठीक, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इसी तरह z भी 0 ही आएगा। ठीक, z भी 0 ही आएगा क्योंकि आप 5, 1 और -2 नहीं लोगे, लेकिन 0, 0, 0 तो लास्ट में आएगा ही। ठीक, तो z भी इसी तरह लास्ट उसका कॉलम, लास्ट कॉलम भी 0 आएगा। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक, नेक्स्ट केस देखते हैं जिसमें d इक्वल टू 0 हो जाएगा, उसमें कैसे आगे करेंगे। ठीक, क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले वही d फाइंड करेंगे, d इक्वल टू 1, 1 - 1, ठीक, 3, 6 - 5 और 1 - 2, 1। इसको कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट रो के अलावा खोल रहे हैं तो 1 आएगा, 1 को तो लिखेंगे 6 × 1 - −2 × −5, ठीक, एक ब्रैकेट में
फिर ये साइन माइनस वन, ये बाहर प्लस वन, ये वन ये वाला है, ये वन ये वाला, थ्री इंटू वन माइनस वन इंटू माइनस फाइव, और लास्ट वाले का साइन नहीं बदलेगा तो माइनस वन ही रहेगा, थ्री इंटू माइनस टू माइनस वन इंटू सिक्स, कितना आएगा d इक्वल टू वन, हटाओ सिक्स, ये हो जाएगा प्लस टेन, माइनस टेन, माइनस थ्री प्लस फाइव, और माइनस माइनस सिक्स माइनस सिक्स, यहां पे d कितना आया, माइनस फोर माइनस एट प्लस ट्वेल्व, डी आ गया जीरो, डी आ गया जीरो। तो अभी तक जैसे करते थे वैसे नहीं करेंगे, ठीक, एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई, वो सॉल्यूशन नहीं हमारा, ठीक। अगर डी इक्वल टू जीरो आ गया है तो फिर हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो उसके लिए एल्गोरिथम ये है कि अगर डी इक्वल टू जीरो है तब सबसे पहले फाइंड करेंगे डी एक्स डी वाई और डी जेड। अगर डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों जीरो है तो इसके तो इसके या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर नो सॉल्यूशन, ठीक। उसके बाद सेकंड, अगर डी एक्स और अगर dx अगर dx और dy में से सिर्फ कोई एक या कोई दो, तीनों नहीं, कोई एक या सिर्फ कोई दो जीरो हो तब इसके नो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक। यानी ये इनकंसिस्टेंट है, नॉन ट्रिवियल, सॉरी, हाँ ये नॉन ट्रिवियल है, ठीक। और तो अगर d इक्वल टू जीरो है तब इसके आगे ऐसे लेके बढ़ेंगे, यानी हमें इसमें dx dy dz निकालना है। ये देखो थर्ड रो यहाँ भी इक्वल टू में जीरो है, तो जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में सब dx dy dz तीनों जीरो आए थे वैसे यहाँ पर भी यही आएगा, ठीक। तो या तो इसके इन्फाइनाइट सोल्यूशन होंगे या फिर नो सोल्यूशन, इस तरह से कर सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक, पुराने टॉपिक से। ये खत्म हो गया थ्योरी ऑफ इक्वेशन, एक्स वाई जेड की वैल्यूज इन फॉर्मूलों से यूज करके निकालना, मतलब डिटरमिनेंट के तरीके से, इसी को कहते हैं क्रेमर्स रूल, ठीक। तो ये क्रेमर्स रूल खत्म हो गया है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर खत्म करेंगे डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स की एक और वीडियो, लास्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि उससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके बीएचयू में, ठीक, एयू वगैरह में, और जो भी गेट वगैरह आईआईटी जेएम आगे जो भी एग्जाम्स देंगे आप उसमें तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाना जरूरी है। और कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव्स के देख लेंगे, ठीक, अलग अलग तरीके के, ठीक। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। ये क्वेश्चन देखिए 2019 बीएचयू का क्वेश्चन है, बीएससी मैथ्स के एंट्रेंस का। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 4, एक मैट्रिक्स है थ्री ऑर्डर की और डिटरमिनेंट ए फोर है, तो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है, ठीक। बहुत सिंपल है, इसके लिए फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, मैंने आपको बता दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, एन ऑर्डर मैट्रिक्स का, ठीक। तो एडजॉइंट ऑफ ए बड़े आराम से निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट ए फोर है, डिटरमिनेंट ए फोर और उसकी पावर कितना, एन माइनस वन, ऑर्डर थ्री है मैट्रिक्स का यानी फोर स्क्वायर, ठीक। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है 16 आ जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक। किसी कॉम्पिटिटिव का एक क्वेश्चन है, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए मैं बता दूं डेल इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डेल यानी कि वो डी, ठीक। ये जो कोफिशियंट्स है इनका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होना चाहिए, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है और हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो टू थ्री माइनस टू, टू माइनस वन
थ्री सेवन के माइनस वन, ये डिटरमिनेंट हमें जीरो गिवन है, हमें सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो किसी के भी अलॉन्ग खोल दो, या फर्स्ट रो के अलॉन्ग खोल देते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा, टू माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस के इंटू थ्री माइनस थ्री टू इंटू माइनस वन माइनस सेवन इंटू थ्री माइनस टू टू इंटू के माइनस सेवन इंटू माइनस वन, ये इक्वल टू जीरो है। सब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा टू, ये हो जाएगा वन माइनस थ्री के माइनस थ्री, ये हो जाएगा माइनस टू माइनस ट्वेंटी वन माइनस टू, ये हो जाएगा टू के प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल कर देगा, टू माइनस सिक्स के ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी थ्री, मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से तो सिक्सटी नाइन, ये हो जाएगा माइनस फोर के, ये हो जाएगा माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो। ठीक, इसको और सिंपल करके यहाँ सॉल्व कर देना, माइनस सिक्स माइनस फोर ये हो जाएगा माइनस टेन के, और बाकी सब कुछ सिक्सटी नाइन माइनस फोर्टीन कितना आएगा, फिफ्टी फाइव, फिफ्टी फाइव प्लस टू फिफ्टी सेवन, फिफ्टी सेवन इक्वल टू जीरो, के को उधर भेज दो, फिफ्टी सेवन इक्वल टू टेन के, तो के कितना आ जाएगा, फिफ्टी सेवन अपॉन टेन या फाइव पॉइंट सेवन, ये आंसर है। ठीक, इसी तरह से और क्वेश्चंस है, डिटरमिनेंट्स में थोड़ा सा टॉपिक बचा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वो पढ़ लेते हैं हम लोग और उसके बाद खत्म, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद आया तब तो कोई बात नहीं, फिर भी सजेशंस आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।